अमेठी के कौहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने रिश्तों की दुहाई देकर अमेठी को छला और गरीबों की जमीन हड़प ली, जबकि भाजपा ने जिले में 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए। उन्होंने कहा, अमेठी में भाजपा ने सड़क, मेडिकल कॉलेज, स्कूल और बाईपास का निर्माण करवाया है। विपक्ष के लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जबकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार विकास के काम करती है। सुल्तानपुर 187 विधानसभा इसौली से बसपा समर्थित प्रत्याशी यशभद्र सिंह मोनू के समर्थन में आज क्षेत्र के ग्राम पंचायत कदरा भारी में उनके बड़े भाई चंद्रभद्र सिंह सोनू ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 27 तारीख को आप लोग हमारे छोटे भाई यशभद्र सिंह मोनू को अपना आशीर्वाद दें। अमेठी में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के उमाशंकर मिश्र की खुलेआम दबंगई और दादागिरी, बीजेपी प्रत्याशी मटियारी और पीएम मोदी की रैली के नाम पर किया एम्बुलेंस ड्राइवर पर अत्याचार, एम्बुलेंस में बैठे मरीज की जिंदगी लगी दांव पर, चुनाव जीतने के लिए अत्याचार जारी है, दादागिरी का वीडियो हुआ वायरल। अमेठी के तहसील तिलोई के अंतर्गत 178 विधानसभा में आने वाले 27 फरवरी को मतदान के नजरिए से पुलिस प्रेक्षक मोहरकर ने जायज के संवेदनशील बूथों का किया निरीक्षण, किसी तरह की मतदान प्रक्रिया में कमी न रह जाए। 27 फरवरी को पांचवे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने की पूरी कोशिश है। मतदान केंद्रों के अंदर एवं बाहर का पूर्ण निरीक्षण किया। प्रेक्षक के साथ थाना प्रभारी उमेश कुमार ने बूथों को चेक कराया। अमेठी जिले के भादर ब्लॉक के त्रिसुंडी गांव में पारिवारिक कलह के चलते युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अभी हाल ही में युवक की पत्नी पति से झगड़ा करके मायके चली गई, जिससे क्षुब्ध होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना रामगंज पुलिस ने लाश को उतारकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची बहन ने आरोप लगाया कि हमारी भाभी ने जमीन की लालच में हमारे भाई को हमसे छीन लिया। अमेठी में 178 तिलोई विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप सिंघल ने तिलोई के विभिन्न गांव का दौरा किया। लोगों को संबोधित करते हुए सिंघल ने कहा कि मैं अपनी तिलोई की सेवा करने आया हूं। 20 वर्षों से लगातार आपके हर सुख दुख का साथी रहा। हम आपके बीच में बेटे के रूप में अपना हक मांगने आए हैं। अमेठी में न्यायालय रायबरेली में विचाराधीन जमीन पर विपक्षी द्वारा अवैध कब्जा कर जमीन पर किया जा रहा था निर्माण। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। तहसील तिलोई के फुरसतगंज थाना क्षेत्र के निगोहा का मामला। अमेठी जाने से किसान संगठन को रोका गया। मिलिट्री के जवान व किसानों में ट्रैक्टर को लेकर छोटी मोटी बहस भी देखने को मिली। जायस के जगदीशपुर की तिराहे रोड का मामला। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज